नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार में अब ग्रेजुएशन पास लड़कियों को मिलेंगे 50,000 रुपए, इंटर पास करने पर 25,000। जी हां, बिहार में स्नातक पास करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाले राशि में दोगुना इजाफा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के साथ जो सबसे बड़ा वादा किया था वो पूरा हो गया है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि बिहार में ग्रेजुएशन पास लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटर पास करने वाले छात्राओं को भी 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के नीतीश सरकार ग्रेजुएशन पास छात्राओं को प्रोत्साहन रूप 25,000 रुपए दे रही थी, जो अब दोगुना हो गई है। जो नई व्यवस्था में यह राशि दोगुनी होकर 50,000 रुपए में दी जाएगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार किया है। बिहार में कारोबार के लिए युवाओं को मिलेगा 5 लाख का अनुदान, 10 लाख रुपए देगी सरकार। जी हां, बिहार में युवाओं को कारोबार के लिए राज्य सरकार ने अब बड़ी आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। राज्य सरकार अब युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराएगी। इसमें से 5 लाख तक का अनुदान होगा, यानी राज्य सरकार युवाओं के कारोबार के लिए दी जाने वाले राशि में 50% सब्सिडी के तौर पर देगी। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं से यह वादा किया था कि अगर वह वापस सत्ता में आते हैं तो व्यवसाय के लिए उन्हें सरकार पहले से ज्यादा अनुदान और ऋण मुहैया कराएगी। नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वादे को अब पूरा कर दिया है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट में 15 एजेंडे पास, फ्री कोरोना टीका पर सरकारी मुहर, 20 लाख रोजगार सृजन के लिए अभी एजेंडा पास। बिहार की नव निर्वाचित सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इसमें 15 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं उससे यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। कैबिनेट में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस तरह है। सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत अगले 5 सालों में रोजगार वितरण करने के कई साधनों पर मुहर लगाए गए हैं। बिहार में कोरोना का फ्री टीका दिए जाने पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 20 लाख रोजगार का सृजन होगा। आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थान में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनेगा। स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़ा जाएगा। सभी शहरों में बुजुर्गों के लिए बहुमंजिला इमारत बनेंगे, और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार होगा। दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों का बढ़ा इंतजार, शिक्षक बहाली में 23 नवंबर 2019 के पहले पास अभ्यर्थी हो पाएंगे शामिल, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली में दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें नई वैकेंसी का इंतजार करना होगा। इस बार 23 नवंबर 2019 के पहले पास सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश के साथ कहा है कि इस बहाली प्रक्रिया में 23 नवंबर 2019 के पहले पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इस फैसले के इंतजार में राज्य भर के 94,000 अभ्यर्थी थे, जिनका रास्ता अब साफ हो गया है। कल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, डीएलएड 2020-22 कोर्स के लिए शिक्षा विभाग ने बदला नियम, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया से होगा ट्रेनिंग, कॉलेज में नामांकन। जहां बिहार बोर्ड ने डीएलएड 2020-22 कोर्स के लिए अपना निर्णय बदला है। बोर्ड के अनुसार अब पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रेनिंग कॉलेजों में डीएलएड कोर्स में नामांकन होगी। इसके पहले बिहार बोर्ड ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेने का फैसला किया था, लेकिन अब बोर्ड ने अपना निर्णय बदलते हुए कहा कि सत्र 2020-22 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020-22 में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन होंगे।
राज्य में 48 घंटे बाद बढ़ेगी ठंड। बिहार में गुरुवार से छाएगा घना कोहरा, धूप भी देरी से निकलेगी। जी हाँ, बिहार में 48 घंटे में मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार से घना कोहरा छाएगा, जिससे धूप भी देरी से निकलेगी। अरब सागर से आने वाली चक्रवर्ती हवा में नमी और बंगाल की खाड़ी से निम्न हवा के दबाव क्षेत्र बनने के कारण पटना सहित अन्य जिलों में बादल छाए हुए रहेंगे। सुबह रात में मौसम काफी ठंडा रहेगा, इसका सेहत पर भी काफी असर पड़ेगा। ऐसे मौसम में ही बच्चों और बुजुर्गों को अधिक समस्या आती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में सांस के रोगी सावधानी बरतें। इंटर परीक्षा 2021 का पूरा शेड्यूल बदला। बिहार बोर्ड ने तकनीकी कारण से बदला कार्यक्रम, अब 1 फरवरी 2021 से शुरू होगा इंटर का एग्जाम। जहां बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को लेकर कार्यक्रम में संशोधित किया है। पूर्व में परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें परिवर्तन किया गया है। अब 1 फरवरी से परीक्षा का नया कार्यक्रम घोषित किया गया है। इंटर की परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा का कार्यक्रम इस तरह होगा, 1 फरवरी को पहली पाली में भौतिक विज्ञान, दूसरी पाली में राजनीतिक शास्त्र, 2 फरवरी को पहली पाली में गणित, दूसरी पाली में भूगोल, 3 फरवरी को पहली पाली में रसायन विज्ञान, दूसरी पाली में अंग्रेजी, 4 फरवरी को अंग्रेजी और दूसरी पाली में इतिहास, 5 फरवरी को जीव विज्ञान, दूसरी पाली में हिंदी जो आर्ट से रिलेटेड होता है, 6 फरवरी को हिंदी साइंस या हिंदी कॉमर्स और दूसरी पाली में अर्थशास्त्र, 8 फरवरी को पहली पाली में कृषि, दूसरी पाली में मनोविज्ञान और एंटरप्रेन्योर, 9 फरवरी को अनिवार्य विषय, दूसरी पाली में मनोविज्ञान अर्थशास्त्र, 10 फरवरी को वोकेशनल, दूसरी पाली में फाउंडेशन कोर्स, 11 फरवरी को MBA अंग्रेजी, MBA उर्दू, MBA मैथिली पहली पाली में और दूसरी पाली में समाजशास्त्र, और 12 फरवरी को पहली पाली में कंप्यूटर साइंस, दूसरी पाली में गृह विज्ञान या अकाउंटेंसी, और 13 फरवरी को सिर्फ एक ही पाली में परीक्षा होगी जो होगा अतिरिक्त विषय समूह का। राज्य में खाना पकाना हुआ महंगा। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े। जी हाँ, राजधानी पटना में घरेलू रसोई गैस महंगी हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें मंगलवार से प्रभावी हो गई है। पटना में अब 14.2 किलो का सब्सिडी पर मिलने वाली घरेलू गैस सिलेंडर 792.50 रुपये में मिलेगा। इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले इसकी कीमत 742.50 रुपये थी। वहीं 5 किलो का सिलेंडर अब 294 रुपये में मिलेगा। तेल कंपनियों ने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार गैस के दाम बढ़ाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अब 1518 रुपये तय कर दिए हैं। इसके पहले इसकी कीमत 1426 रुपये थी। बिहार में स्कूल कोचिंग खोलने पर शिक्षा विभाग में मंथन शुरू, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होगा फैसला। जी हां, शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूल व कोचिंग खोलने का निर्णय अकेले एक विभाग का नहीं है। इस मामले में राज्य क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्णय लेना है, इसके बाद ही शिक्षा विभाग स्कूल खोलने का निर्णय लेगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शिक्षा मंत्री को इस ग्रुप की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। दरअसल इस साल अब तक स्कूल व कोचिंग खोले नहीं जा सके। परीक्षाओं का आगामी सत्र शुरू होने वाला है। कक्षा 1 से 9 तक की पिछले साल की परीक्षाएं भी नहीं हो सकी है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद है। यही नहीं, उच्च कक्षाओं के सिलेबस को पूरा कराने की चुनौती भी है, लेकिन शिक्षा विभाग बच्चों के हक में हुई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। SSC CHSL भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, आइए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ, SSC ने CHSL भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 19 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 21 दिसंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कराई जा सकती है। नए शेड्यूल के मुताबिक चलान के जरिए फीस भी जमा कराने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 तक की गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर थी। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से SSC CHSL भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करना चाह रहे अभ्यर्थियों के अप्लाई करने की तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। बहुत से अभ्यर्थियों ने सोमवार को दिल्ली में CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड के पास कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि पिछले एक सप्ताह से कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर
तकनीकी दिक्कतों के चलते वह सीएसएल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। सर्वर खराब होने के चलते वह एप्लीकेशन पूरी तरह सबमिट नहीं कर पा रहे थे। BCIL ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के 727 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 26 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। जी हां, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने नॉन फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस बारे में जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक संविदा के आधार पर कुल 727 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 साल उम्र सीमा तय की गई। हालांकि रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमानुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.bcil.com के जरिए आखिरी तारीख यानी 26 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जनरल और ओबीसी के लिए ₹830 और SC/ST के लिए ₹600 फीस जमा करने होंगे। बिहार के 29 जिलों की 5013 पंचायतों में ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सर्वे का आदेश जारी। जी हां, बिहार सरकार ने सूबे में चल रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की जांच का निर्णय लिया है। 4 साल से लागू इस योजना के तहत हर घर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध कराना था। पंचायत राज विभाग को सूबे के 29 जिलों में इस योजना के लिए कार्य एजेंसी बनाया गया था। सरकार के आदेश के बाद अब सभी जगह सर्वे कर योजना की प्रगति और गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। आइए जानते हैं कौन कौन जिले में सर्वे होगा। तो मुजफ्फरपुर, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीवर, सीतामढ़ी, सिवान व वैशाली में सर्वे किया जाएगा। बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत खराब, सिविल सर्जनों को लगी फटकार, प्रधान सचिव ने लगाई सबकी क्लास। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। कोरोना काल में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफी फजीहत हुई है, जिसके बाद बिहार सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों ने विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी बदतर दिखी। बिहार के सदर अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पताल में एक्सरे, सिटी स्कैन की सुविधाओं और साफ सफाई की काफी कमी देखी गई। इस लचर व्यवस्था को देखकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत काफी आग बबूला हो गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सिविल सर्जनों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने और अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तब बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटों में 572 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या पटना जिले में सबसे अधिक है। यहां कोरोना के 162 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो बांका में 13, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 18, गया में 18, गोपालगंज में 15, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 41, पूर्णिया में 19, सहरसा में 18, सारण में 23, सिवान में 16 और वैशाली में 16 मरीज मिले हैं। वहीं जिन जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या कम है उनमें सुपौल 4, रोहतास 8, नवादा 5, मधेपुरा में 1 और बक्सर में 1 मरीज है। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,547 है। बिहार में जल्द होगी 6,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू, नीतीश सरकार के मंत्री ने किया ऐलान। जी हां, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने सरकारी नौकरी भर्ती पर बयान दिया है। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में राजस्व विभाग में 6,000 पदों पर लोगों की कमी है, जिस पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश सरकार में राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व विभाग में 6,000 पदों की कमी है, जिसमें जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने और खाली पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके लिए आज का सवाल, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।